नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। अभी हमारे पीछे दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षकों का धरना है। वो अपनी ऑब्जेक्शन की मांग को लेकर जो है धरने पे हैं। आखिर क्या है पूरा मुद्दा और क्यों ये जो है आम लोगों को अफेक्ट करता है, सुनिए इन शिक्षकों से। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडहॉक टीचर्स मंडी हाउस पे गैदर हुए हैं, एक प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, एक रैली निकालेंगे, क्योंकि ये हमारे लाइवलीहुड का इश्यू है, ये हमारे रोजगार का इश्यू है। आने वाला जो नया सेशन है जो जुलाई अगस्त में शुरू होगा, उसमें हमारे पूरे मतलब असेसमेंट्स यही हमें बता रहे हैं कि एक बड़ा हिस्सा एडहॉक टीचर्स का नौकरी उनके हाथ से छीन ली जाएगी। 2020 मार्च में कोविड की वजह से लॉकडाउन शुरू हुआ, तो इस मूवमेंट को हमें सस्पेंड करना पड़ा। आज हम देख रहे हैं कि हमारे बजाय इस इन डिमांड्स को सरकार सोचती और देखती और आगे चलती, वो एनईपी लाकर हमसे हमारे क्लासरूम में छीन लेना चाहती है। इसलिए सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, क्योंकि टीचर्स को ये डर है कि अगले सेशन तक हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे साथियों की नौकरियां ही ना बचें। ये लंबे सालों से 10 साल से 12 साल से पढ़ा रहे हैं, तो इनकी एलिजिबिलिटी है। ये इंटरव्यू कमिटी फेस करके आए हैं और इतने साल हो गए हैं, 10-10 साल, 12-12 साल, तो इनको, जैसे अभी आपने सुना होगा मध्य प्रदेश का केस था या हिमाचल प्रदेश का केस है, और उत्तराखंड से भी सुनने को आता है, तो वहां पे वन टाइम एब्जॉर्प्शन हुआ है कर्मचारियों का, शिक्षकों का भी, तो उस स्थिति में यहाँ भी इतनी बड़ी तादाद है तो इनको एक वन टाइम एब्जॉर्प्शन कर देना चाहिए। जो मेरे कुछ कलीग्स हैं जैसे एडहॉक पे वो पढ़ा रहे हैं, अगर वो एडहॉक पे पढ़ा रहे हैं तो उनको एक ठीक ठाक बैंक, मतलब आप 12 साल एक जगह एडहॉक पे पढ़ा रहे हैं और आपका फिर भी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो ऐसी अवस्था में कल को उनको होम लोन लेना होता है, कुछ इस तरह की अपनी प्रोग्रेस, अपनी ग्रोथ के लिए कुछ करना होता है, बच्चों की एजुकेशन के लिए उनको जाना है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि वो खर्चा करने के लिए उनको कहीं अच्छा बैंक लोन भी नहीं देगा। जो सरकारी बैंक है वो तो कहते हैं कि आपका परमानेंट, उन लोगों को लोन की फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो इस तरह की जो चीजें ना, इससे उनके जीवन के ऊपर बहुत, जीवन स्तर के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। तो हमारी एक ही डिमांड है कि सरकार से कि हम लोग भी उतने ही क्वालिफाइड हैं जितने बाकी परमानेंट टीचर जो हमारे सीनियर टीचर्स कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, तो हम अगर उतनी क्वालिफिकेशन रखते हैं और इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं तो आप हमें एक परमानेंट जॉब देके हमारे ओवरऑल करियर को सिक्योर कीजिए और जो एजुकेशन सिस्टम है उसको एक मजबूती प्रदान करें।